शिवराज की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। कैबिनेट ने बारिश ओले से प्रभावित होने वाली फसल के मुआवजे की रकम बढ़ाने का फैसला लिया। इसके अलावा बिजली विभाग में आउटसोर्स लाइनमैन को वेतन के अलावा हर महीने 1,000 रुपये जोखिम भत्ता देने का निर्णय भी लिया। सरकार ने ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के 1,000 बिस्तर के अस्पताल में 972 नए पदों को भी मंजूरी दे दी। उधर इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर का स्मारक बनाने के लिए सरकार 1,215 हेक्टेयर जमीन देगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राजस्व विभाग के अंतर्गत RBC 6/4 में संशोधन किया गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में अब देश में सबसे ज़्यादा फसल मुआवजा देने वाला राज्य बन गया। बड़ा मुआवजा 1 मार्च 2023 के बाद से खराब होने वाली फसलों के लिए दिया जाएगा। आज हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को स्वल्पहार में पूर्व में प्रचलित खाद्य सामग्री के स्थान पर श्री अन्न मोटे अनाज या मिलेट से बने व्यंजन परोसे गए। इनमें बिस्किट, सैंडविच, कटलेट, बाजरा, खिचड़ा, पापड़, खीर शामिल थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।